जितनी आप लखनऊ के अंदर सुनोगी ईदगाह में नमाज अदा की जाती टीवी वगैरह पे पेपर वगैरह पे वो इसी में दिखलाते हैं। और जो सामने देख रहे हैं उसको कहते हैं रूमी दरवाजा, जिसमें हमने चौधरी का चांद सावन को आने तो छत्ता गाड़ी गदा सब भी एक ही है, सब इसी जगह की चीज है। जब आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे जा रहा है, मुझे हर आदमी अंदर से देख रहा है लेकिन अंदर वाले को मैं देख पा रहा हूँ। और वहीं से सीनम दादी क्या करते थे, या तो कुछ बहुत आता था उसे मिलकर मिलता था, जो दुश्मन आता उसे थे, लेकिन यहाँ से मैं अंदर वाले देख पा रहा हूँ मुझे किधर देखा था मैं किधर थी। तो ये बिल्डिंग अंदर गौन बनी है जो हम लोग भी अंदर गौन, और मेरा पानी के अंदर फोटो भी जा रहा है, पानी की तरह से भी देखा जा रहा है। पहले तो लेकिन जब कुएं का वाटर कम होने लगा है तो इंजीनियर ने सोचा था कि जब मैं फैजाबाद दिल्ली आगरा तक प्रयोग कर रहा हूँ तो नेशनल पानी का जनाब आदर मानने वाले इंसान है क्योंकि अब हम दुश्मन को किसी को बचाएंगे तो यही गेट जो अभी आपको आदर अभी इसी का आपको पानी का डेरिफिकेशन इस गेट पर खड़ी थी। इस गेट का रिफ्लेक्शन देखिए पानी के अंदर, जब कोई दाखिल होता था उसका पानी के अंदर उसको फोटो नजर आता था तो नवाज साहब के सिपाही नीचे बैठे बैठे देख लिया करते थे, लेकिन आने वालों को ये नहीं समझ पाता था। तो आने वालों का हाबिम दिखा, आने वालों को ये समझ पाता था मुझे किधर देखा जा रहा हूँ। जब आप इसको करीब जाके देखेंगे बहुत गंदा पानी बहुत किचन, लेकिन आने वाले इंजीनियर ने 250 बरस पुराना सीसी का कैमरे का 250 फुट के रास्ते में चलना है, 250 फुट का रास्ता तो आप भूल हो जाइएगा, है ना। अगर आप एक दूसरे से मिलकर चलिएगा तो साथ साथ चलिएगा, ताकि मैं बताता जाऊंगा जैसे मैं बताता जाऊँ, क्योंकि इन्हीं को आगे रखना है। बात समझिए आपको सब देख रहे हैं अंदर से बैठे हुए, लेकिन आप किसी को नहीं देख पा रहे, दिख रहा है अंदर का आदमी को नजर नहीं आ रहा है। तो ये बिल्डिंग अंडरग्राउंड में नहीं थी जो हम लोग भी अंडरग्राउंड आइए।